मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर। अच्छा, एक लॉन्ग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, और आर डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखोगे, मैग्नीट्यूड देखोगे, तो होता है म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ड्यू टू द लॉन्ग वायर, और इसमें अगर करंट ऐसे जा रही है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस होगी इस साइड, हम सबको पता है, राइट हैंड थंब रूल से बोर्ड के अंदर गया। और ये अब ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि करंट है। अगर डिस्टेंस पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर टेस्ला इतना है, और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस 2r, मतलब r डिस्टेंस पर 0.4 टेस्ला था, तो 2r पे कितना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड B2/B1 इज इक्वल टू R2/R1, ठीक है। तो R2 दूसरे टाइम में डिस्टेंस 2R हो गया, फर्स्ट टाइम में डिस्टेंस R था, और ये मैग्नेटिक फील्ड पहले टाइम में 0.4 था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस 2R, मैग्नेटिक फील्ड B2/, यहाँ से थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो R1/R2 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा R और 2R, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 और 2, मतलब 0.2 टेस्ला। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मतलब 0.4 से पहले आर डिस्टेंस पर 0.4 था, तो डबल डिस्टेंस कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। यार ये कभी सही नहीं हो सकता, ये तो बढ़ गया, ये भी कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है, और कैलकुलेट करके देखिए ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही है।